हम लोग सब लोग इक्वली मेहनत करते हैं। इसके पहले आपने क्या किया थिएटर के बारे में? थिएटर भी किया है और फिल्म्स भी की है और एल्बम्स भी किए हैं। जो फिल्म्स करी जो कि अंडर प्रोडक्शन है कुछ रिलीज होने वाली आने वाले टाइम में किसके साथ पीछे ऐसा कुछ नहीं है बट आने के साथ सत्ता जी ने मुझे ये ब्रेक दिया है। वैसे मैंने इससे पहले भी मूवी की है अर्जुन जी के साथ में जो मेरी पोस्ट अभी मे बी अप्रैल में मेरी मूवी ये मेरी सेकंड मूवी होगी अगर मैं सॉरी अगर नहीं डेफिनेटली मैं ये कर रही हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है इनके साथ में काम करने के लिए। और आज हमारे गाने की रिकॉर्डिंग है आज ड्यूट सॉन्ग और जो कि अल्तमश और क्या नाम है उनका रानी गा रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। और हमारे जो प्रोडक्शन का नाम है वो ASS प्रोडक्शन दोनों बहन आदत तारा थी दो गाँव की दुश्मनी है। इस गांव की औरत उसका मैं शादी करके नहीं जा सकती और इस गांव की औरत उसका मैं शादी करके नहीं जा सकती और दोनों लड़का लड़की में प्रेम है। सर कैमरा और कैसे आपने डिसीजन कर लिया पिक्चर पिक्चर मैंने इसलिए बनाया कि मैं अच्छा लगी थी तो पहले तीन फिल्में बनाई थी। गाने की बात करें किस तरह गाने हैं आप जो सिंगर इसमें एक तो अल्तमश है। मेरा नाम साहिल अख्तर है और मैं इससे पहले एक फिल्म कर चुका हूँ ब्रेकअप जो बहुत जल्दी जल्दी की फिल्म आने वाली है और मेरी दूसरी फिल्म जो है अनफ्रेंड जो उसकी फिल्म ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अभी तीसरी फिल्म है अब्दुल सत्तार जी की जो बहुत काफ़ी टाइम के बाद ये वापस इंडस्ट्री में आ रहे हैं और इन्होंने मुझे इस रोल के लायक समझा। मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म बहुत अच्छी बने और इन्होंने जब मुझे स्टोरी सुनाई अगर फैसला की तो मुझे बहुत अच्छी लगी। इन्होंने काफ़ी वर्क किया है राइटिंग के ऊपर और ये खुद ही इसमें डायरेक्टर है प्रोड्यूसर है एज अ राइटिंग भी यही कर रहे हैं तो फिल्म में कुछ बहुत खास बात है जो आप देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। सर गाने की रिकॉर्डिंग है गाने के बारे में जानना चाहेंगे आप क्या कैसा लगा जो आज की? नहीं मैंने जो आज गाना सुना एक रोमांटिक सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। मेरा अभी फिल्म कंप्लीट हुई जो मैंने बताया नहीं ब्रेकअप अंजू रिजवी प्रेजेंट कर रहे हैं फिल्म को मुन्ना रिजवी की फिल्म से रिकॉर्डिंग है और कैसे आप जुड़े हैं और विलन का करेक्टर भी कर रहे हैं इस तरह का करेक्टर है आप बताइए म्यूजिक आज हो रहा है जो बहुत ही खूबसूरत गाना है रोमांटिक सॉन्ग है जो भी एक मैंने डिस्को का भी गाना सुना बहुत बढ़िया है। बेसिकली सत्तार जी और हम साथ भी जुड़े तीन चार साल से इस कॉन्सेप्ट पे रिसर्च चल रहा है तो बेसिकली राजस्थान बैकग्राउंड आन बान शान बोल सकते हैं जो यहाँ का एक बेसिक फंडा है उसके ऊपर आधारित ये फिल्म है। दो गांव दो कस्बे दो जात आप कुछ भी बोलिए उनके आपस की पहचान उनका आपस का प्यार गांव की मान मर्यादा इसी पे आधारित ये सिनेमा इसमें एक फैसला लिया जाता है जो कि अटल फैसला है उसी के आधार पर ये फिल्म चलती है। तो विलेन का काम करें कितना मतलब चैलेंजिंग काम होता है एक एक्शन किस तरह के एक्शन फिल्म है या पिटने वाले नहीं ऐसा कुछ वो नहीं है कि पिटना पिटाना ये सब मैटर नहीं है। बेसिकली जो सरकार जी है वो हमारे डायरेक्टरों के आमिर खान जैसे वो परफेक्ट ये भी परफेक्ट रहता है। मैं इसमें सेलेक्ट किया गया हूँ ऑडिशन द्वारा और मैम ग्लैन के बेटे का एक्टर कर रहा हूँ बहुत बड़ा चैलेंजिंग रोल है और इसके लिए मैं बहुत हार्ड वर्क भी कर रहा हूँ। एक नेगेटिव भी है और बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि जो उसके तैयारी सभी लोगों को दिखाने के लिए बोला गया पहले और आशा करता हूँ बहुत अच्छी चलेगी फिल्म। पहली पिक्चर क्या थी कितना प्रेशर है क्या देखिए प्रेशर तो होता ही है लेकिन मेरे को अंदर में बहुत अच्छा खुशी है कि सभी लोग इतने अच्छे टीम नेटवर्क है तो सुबह से निकलते हैं उनको हार्ड वर्क करते हैं शाम को घर पहुँचते हैं तो सर फिर भी पीठ सबसे पाते हाँ सर आप से मीटिंग पूरी दीजिए। मेरा नाम शाना खान है मैं हैदराबाद की प्रोड्यूसर हूँ और एक्टिंग भी करती हूँ और डॉक्यूमेंट्री भी बनाती हूँ गवर्नमेंट के लिए और यहाँ पर आई थी सत्तार साहब उन्होंने मेरे लिए
स्पेशल रोल उसमें चुना है, कैरेक्टर कैरेक्टर आपकी जो पंचायत है उसके ऊपर बेस्ड है, पर आजकल के हालात जो हैं उसको भी उन्होंने कवर किया हुआ है, और ये आधुनिक तरह से उन्होंने खाप के जो फैसले होते हैं उसके बारे में, और वुमेन एम्पावरमेंट, जो महिला कुछ भी कर सकती है कि उसके खिलाफ अगर जाएं तो हथियार भी उठा सकती है, वो शांति से भी उसका मुकाबला कर सकती है। इस तरह से इन्होंने बहुत अच्छे तरह से फिल्म बनाया है, और इन्होंने मेरे को स्पेशल कैरेक्टर के लिए चुना है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद अदा करती हूँ, और उम्मीद रखती हूँ कि हर देखने वाले को पूरा इसमें मसाला मिलेगा, क्योंकि डीजे सॉन्ग भी इसमें बहुत बेहतरीन डीजे सॉन्ग भी है, और बहुत अच्छी तरह से रिकॉर्डिंग हो रही है, और उम्मीद रखती हूँ कि इसकी पिक्चराइजेशन भी उससे भी अच्छी होगी, क्योंकि पूरे नेचुरल लोकेशन होंगे बीकानेर में, इसको देखते हुए मैं समझती हूँ कि सभी को बहुत पसंद आएंगे। धन्यवाद। सुनने में शायद लग सकता है की सरपंच की बहुत बड़ी भूमिका हो रही है, बिल्कुल वही है सरपंच, पूरा गांव उनके अंडर में रहता है, तो इस तरह का कहीं आप सरपंच से जाके मिले या कुछ? बिल्कुल उनसे मीटिंग की हमने, और जिस तरह से वो चाल चलन बात करने का लहजा सब तरह से गांव वाला सेलिंग होता है सारा उस तरह से करा। सर कोशिश तो पूरी होगी, 100% देने की, बट फिर पब्लिक के हाथ में क्या आप भाई शांत रहो। इसका नाम है अटल फैसला, ठीक है। अटल फैसला का मतलब है दो गांव की अंदर दुश्मनियाँ हैं, जैसे एक मेन हीरोइन है राधा, राधा का मेन कैरेक्टर और दूसरा जो सेकंड कैरेक्टर है राम, हस्बैंड वाइफ, जो हस्बैंड वाइफ का कैरेक्टर करेंगे, ठीक है। तो ये जो दो कैरेक्टर है उसमें मेन है रामू और राधा, ये दो काफ़ी अच्छा करने वाले हैं और करेंगे, और इसके अलावा इससे पहले आप कितनी फिल्म असिस्ट कर चुके हैं? इससे पहले सर मैंने कोई फिल्म असिस्ट नहीं की, पहली फिल्म मैं जैसे मैं असिस्ट कर रही हूँ, प्रोडक्शन में मैंने बहुत काम किया है, और प्रोडक्शन ही रही काफ़ी, आपने यहाँ पर पहली फिल्म में तो पिछले 5 साल से फिल्म की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और काफ़ी लंबा समय हो गया है, ओके। मैं एक आउट ऑफ द बॉक्स सवाल पूछना चाहूंगा, व्हाट हैपेंड विद मिस्टर संजय लीला भंसाली इन जयपुर, व्हाट यू हैव टू से बीइंग अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री जो उनके साथ हुआ? नहीं, क्योंकि आप इंडस्ट्री का, आप एक फिल्म मेकिंग के बिजनेस में हैं, और जब इतने बड़े दिग्गज जो राष्ट्रीय 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 नहीं राष्ट्रीय आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये सवाल जो किया सही किया, तो क्या फर्ज बनता है? हाँ, लेकिन ये एक्चुअली सिनेमा है, इसको हम सिनेमा की नज़र से देखते हैं, और थोड़ी स्टोरी तो चेंज होती है हर फिल्म में। अब दंगल जो फिल्म थी वो दोनों बबीता और गीता की पूरी रियल स्टोरी तो थी नहीं, उसमें भी बहुत कुछ मसाला डाला गया है, तो ये फिल्म थोड़ा चेंज तो किया जा सकता है, लेकिन राजस्थान के लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग थोड़े से पता नहीं उनके संजय जी के ऊपर क्या दुश्मनी निकाली है, वो पता नहीं, वो मीडिया ही बता सकती है। ओके, रोलिंग रोलिंग। मैं कशिश राठौर, और मैं सरताज जी के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ, बट बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं अलग की वाइफ जो अलग कभी अपनी बीवी की बात नहीं मानता है, बट ट्राई करती रहती हूँ कि उसको
उसको समझाऊं, उसका विरोध करूं, उसके खिलाफ। इससे पहले आप कितना काम करते थे? इससे पहले मैं टीवी सीरियल ड्रीम में तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। इस कारण से आप काफी दुखद हैं? काफी दुखद है। और ये देखिए, पूरे हिंदुस्तान में हमारी सभ्यता बताती है कि हम लोग कितने हम्बल हैं। और राजस्थान पे तो पूरा एम्पावर जो इकोनॉमी है वो तमाम टूरिस्ट पर है। इस तरह की अगर खबरें बाहर जाएंगी तो टूरिस्ट पे क्या असर पड़ेगा, जबकि वहाँ के लोग कितने हम्बल हैं। पूरे हिंदुस्तान में हम लोग पूरे हर प्रांत के लोग हम्बल हैं और अतिथि सेवा भाव रखते हैं। यानी कि भगवान जो है, इंसान जो अतिथि है, हमारा मेहमान, वो भगवान का स्वरूप है, ये हम मानते हैं। तो भगवान के साथ हम किस तरह से सहयोग कर सकते हैं? लेकिन अगर उन्होंने कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको जाकर के पूछना, समझाना, समझना चाहिए था। उसके बाद कुछ सजेशन रखना चाहिए था कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे हर जगह में ओपन जाके आप बात कर सकते हैं, ये सब जगह में आप ये कर सकते हैं। इतना कहते हुए मैं बहुत ही दुख व्यक्त करती हूँ कि भाई ये बहुत ही दुखद घटना थी।